जब कहते हैं वो हीरो आ गया तो सब निगाहें उठ जाती हैं उसकी तरफ, और वो हीरोइन आ गई तो सब उसको देख रहे होते हैं। वो जितने सपोर्टिंग एक्टर चाहे कितने भी वो तुर्रम खान, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा होता, तो ये तो होता ही है। फिर मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम सपोर्टिंग एक्टर हो, चलो तुम बहुत बड़े एक्टर हो, लेकिन जब हीरोइन आएगी तो सब लोग उस तरफ भाग जाएंगे, तुम्हारी तरफ कोई नहीं आएगा, तो इस चीज़ को तुम मान लो। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अब तुम एक अच्छे प्रोड्यूसर नहीं हो, तुम्हारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो तुम मान लो। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। मैंने कहा तुम अच्छे डायरेक्टर नहीं हो, मान लो। मैंने कहा ये भी ठीक है, तुम एक मीडियोकर से एक्टर हो बस, तुम तो तुम क्यों नहीं मान लेते। तो मैंने तस्लीम कर लिया। जब मैंने इन सारी चीज़ों को तस्लीम कर लिया और मैंने ये सोचा कि एक्टिंग के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, और अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि ना कोई मैंने कोई प्लाजा है मेरा, ना कोई मेरा बिजनेस है, ना कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को वक्त के साथ साथ तस्लीम करता चला गया, और शायद इसकी यही वजह है कि मैं चल रहा हूं। तस्वीरें बन गई अब्बा? हाँ बन गई है, अच्छी बनी। आप मुझे कैमरे के लेंसेज और दूसरी एक्सेसरीज की लिस्ट दे दीजिएगा। नहीं, अब किसकी तस्वीर बनाऊंगा? एक तुम थे तो तुम भी जा रहे हो। कोई नहीं अब्बा, आप तो अम्मी की तस्वीरों के लिए काम करते रहे। आपको कैसा फील होता है इस वक्त? यू कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मोस्ट क्या कहते हैं एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट प्लेज, मोस्ट दिस, मोस्ट दैट, सबसे ज्यादा ये सब, कैसे फील करते हैं नाउ दैट यू आर देयर? जो आपने इतना ये जो सफर आपने ये पूरा किया है फ्रॉम द लिटिल बॉय टुडे, आपको कैसा फील होता है टू? अब एक प्रोग्राम में मैं एक साहब के लिए एक प्रोग्राम था, उसमें मैं भी बैठा हुआ था, तो मुझसे सवाल किया गया कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इनको मैं ऐसा जानता हूँ, और ये इतने अच्छे एक्टर हैं, और ये और इनके लिए कुछ नहीं किया, ना हुकूमत ने किया, ना टेलीविज़न ने किया, ना इसने किया, ना उसने किया, और क्या करते हैं आप लोग, और करना चाहिए, और ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर एक दिन मुझे असगर नदीम सैयद और जमील मलक वगैरह बैठे थे, तो मैंने कहा कि यार देखो एक्टर के लिए ये होना चाहिए, और टेलीविज़न को भी ये करना चाहिए, और उसको ऐसी उसकी बका के लिए, और ये और वो। तो कहने लगा क्यों क्यों करना चाहिए एक्टर को, खुद क्यों नहीं करना चाहिए? ओके तो उसने कहा आप आपके लिए क्या करना चाहिए, आप क्यों डिमांड करते हैं? आपको अल्लाह ने क्या नहीं दिया, किस चीज़ की कमी है? नाम है आपका, आपकी इज्जत है, शोहरत है, पैसे हैं, जो आपको मिल रहा है सब कुछ मिल, तो और क्या चाहिए आपको? तो मैं खामोश हो गया, मुझे उसमें थोड़ा सी सच्चाई नज़र आई। मैं उस वक्त तो उनसे लड़ पड़ा गया, आप लोग जो हैं बड़े, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैं थोड़ा सा मैं ज़रा माजी पे गया पीछे कुछ, तो मुझे जो एक तकलीफ़ हुई सबसे, आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है इस वक्त वो ये है कि People have not understood you. लोग आपको उस वक्त नहीं समझ सके जब आप expect करते थे कि वो आपको। लोग तो गालिब को भी नहीं समझ सके थे, उन्होंने भी कहा था कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, मगर एक शेर में अंदाजे रसा रखते थे, उसका ये हाल के कोई ना अदा संज मिला, आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। तो अब लोग गुन नहीं गाते हैं गालिब के, लेकिन कोई ऐसी भी बात नहीं है, मैं कोई ऐसा भी स्कॉलर नहीं हूँ, या मुझे ऐसे भी कोई गिले शिकवे नहीं, मुझे शिकवा कोई नहीं, गिला कोई नहीं किसी से। मैं नहीं मान सकती, मेरे ख्याल में हर इंसान को शिकवा या शिकायत तो होती है, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो या तो इंसान नहीं करता या फिर एक्सप्रेशन मुख्तलिफ। अच्छा नहीं करता, फर्ज करें आप क्यों नहीं करते, आप कितने आप चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक मेरे ख्याल में एक एक्टर की जो मैजिक जो चाबी होती है वो यही है, जो बाकी जो एक्टर नहीं है उसमें नहीं है, और उसको एक एवरेज आदमी और एक एक्टर को जो लाइन फ़र्क करती है वो ये है कि एक एक्टर जो है अपने फीलिंग्स या किसी के भी फीलिंग्स को ज्यूम करके भी, कि गालिब जैसे आपने किया कि उस वक्त उसकी क्या फीलिंग्स थी, आपके और उनके बीच में बहुत सालों का फ़र्क है, लेकिन आपने परसीव किया और आपने उसको एक्सप्रेस किया, तो आप हाउ कैन यू फील दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस? गिला शिकवे से क्या मतलब, मतलब किससे गिला होगा? किसी से भी है? नहीं किसी से नहीं, नहीं हो सकता है, होगा क्यों नहीं होगा भाई, एक एक वक्त था गिला लाइफ में किसी चीज से होगी, मकान मालिक से भी हो सकती है,
नहीं तो फिर अगर ये भी ना हो गिले शिकवे के मकान मालिक से ना हो या पानी नहीं आ रहा है तो बादशाह से ना हो या किसी से आपको है कोई गिला शिकवा, आपको इस वक्त क्या डिससैटिस्फैक्शन लाइफ में है? मेरे ख्याल में हर स्टेज पे आके हर इंसान को एक फेज आता है लाइफ में जब डिससैटिस्फैक्शन, अगर डिससैटिस्फैक्शन नहीं, मेरे सारे करियर में अब तक और मरते दम तक अगर मुझे शिकायत होगी अपने आप से वो ये होगी कि मुझे एक बहुत बड़ा स्कॉलर एक्टर होना चाहिए था। मेरे पास डिग्रियां होती बेशुमार, कई मास्टर्स की डिग्रियां होती, मैंने पीएचडी किया होता और मैं एक्टर होता तो मैं कितना अच्छा होता। जो मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे बच्चे बहुत पढ़े और फिर वो एक्टर बने। दिल कभी करता है कि आप पढ़ें अभी? नहीं, अब मैं कुछ और पढ़ता हूँ। मसलन अब मेरा फेवरेट प्रोग्राम जाविये हो चुका है अशफाक साहब का, मैं वासिफ साहब को पढ़ता हूँ, मैं कुछ और चीजें पढ़ता हूँ। अब कुछ और है, वो जो स्टेजेस आते हैं ना, ये स्टेजेस बहुत जरूरी है। अब कुछ और है, कुछ और बहुत जरूरी है, नहीं लोगों से, वरना अगर फंस गए तो अब मैं लोगों से मिलता नहीं, अब मेरा दोस्त कोई नहीं है, अब मैं गैदरिंग में नहीं जाता, अब मैं इंटरव्यूज नहीं देता, अब मैं पेपर्स में, मुझे जब कोई कहता है वहां आ जाए ये हो रहा है तो मैं नहीं जाता, अब मैं घर में रहता हूँ। जितना भी वक्त होता है, सबसे अच्छा मेरा वक्त ये होता है काम के बाद, मैं घर में होता हूँ, टीवी लगा लेता हूँ, आपके प्रोग्राम देखता हूँ, दूसरे एक्टर्स को देखता हूँ, मजे लेता हूँ, खुश होता हूँ, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होता है बड़ी दाद देता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ, फौरन फोन घुमा देता हूँ किसी अच्छे प्रोड्यूसर को, क्वेटा से हो मैं फोन कर देता हूँ, कभी खान बोल रहा हूँ यार बड़ा अच्छा हो, फौरन करता हूँ ये मैं, और खुश होता है, दूसरों को देखकर बहुत खुश होता हूँ।